नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी दिन मंगलवार। पहली गुजारिश, यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 सुबह की खबरों की। किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला आज। कोर्ट ने केंद्र से कहा, आप मुद्दा संभाल नहीं पाए, हमें एक्शन लेना होगा। किसान आंदोलन का 47वां दिन बेहद खास रहा। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 घंटे सुनवाई की। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने सरकार से कहा, कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। लोढ़ा स्पॉट फिक्सिंग मामले में बनी कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत आज किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। सीएम के लिए बने हेलीपैड और रैली के मंच पर तोड़फोड़ करने वाले 900 लोगों पर पुलिस ने केस किया दर्ज। करनाल में पुलिस ने सोमवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर FIR दर्ज की है। इससे पहले रविवार को किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की भीड़ ने न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए हेलीपैड को नष्ट कर दिया था बल्कि रैली के स्टेज और यहां लगाई गई कुर्सियों तक को भी तोड़ दिया था। तंबू को उखाड़ दिया गया था, जहां पर आज इस मामले में भाग्यू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी समेत 71 लोगों को नामजद करते हुए कुल 900 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अभी अधिकारियों द्वारा हंगामे की वीडियो देखे जा रहे हैं, जिनके बाद आरोपितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। रविवार को बीजेपी की तरफ से करनाल जिले के गांव कैमला में किसान महापंचायत शीर्षक से एक राजनीतिक कार्यक्रम किया जाना था। इसमें संबोधित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन ये दौरा उस वक्त रद्द हुआ जब हजारों की संख्या में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने आकर हंगामा किया। इनेलो नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा, बोले 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस नहीं हुए तो इसे स्वीकार करें। हरियाणा के INLD नेता अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास इस्तीफा भिजवा दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो हरियाणा विधानसभा से उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। शनिवार को अनिलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अभय चौटाला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह प्रदेश भर में कृषि कानूनों और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। कानूनों को बनाने से पहले केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए GST में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती तो मैं पद छोड़कर उनके साथ धरने पर बैठूंगा। हरियाणा के पूर्व विधायक बलवीर सिंह चौधरी का निधन, आपातकाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में घुसकर दिखाए थे काले झंडे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पूर्व विधायक बलवीर सिंह चौधरी का सोमवार की सुबह निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर फतेहाबाद से मौजूदा विधायक दोड़राम, चेयरमैन व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष वराला सहित अनेक राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया। 88 साल के नेता करीब 70 साल से राजनीति में थे। 1952 में राजनीति में आए थे। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने हिसार में मधुबन पार्क में हुई कांग्रेस की रैली में घुसकर काले झंडे लहराए और आपातकाल का विरोध किया था। इसी विरोध के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बलवीर चौधरी हरियाणा के कदावर बीजेपी नेता मंगल सेन के करीबी साथी रहे। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, ट्रॉली में बिता रहा था दिन रात, अब मृतकों की संख्या हुई
56 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में मौतों की जो सिलसिलेवार जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और किसान की मौत होने की बात सामने आई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में टेकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगदीश के तौर पर हुई। पंजाब के मुक्तसर साहिब के लुड्डेवाला गांव के रहने वाले थे। वे बहादुरगढ़ बाईपास पर गांव वालों के साथ ट्रॉली में रह रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक तबीयत बिगड़ने पर जगदीश को घर लाया गया था। परिजनों ने इलाज के दौरान उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन में शामिल अब तक 56 किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले टेकरी बॉर्डर पर भी 15 किसानों की जान गई है। भिवानी में राजस्थान बॉर्डर पर पेट्रोल पंप कारिंदों पर हमला कर बदमाश लूट ले गए लाखों रुपए की रकम। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में दिन रात अज्ञात लुटेरे पेट्रोल पंप लूटकर फरार हो गए। वारदात पिलानी रोड के राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद पेट्रोल पंप पर अंजाम दी गई। लुटेरे तेजधार हथियार से लैस थे। लुटेरों ने पेट्रोल पंप कारिंदों पर हमला किया और उनसे करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हमले में एक करिंदे का कान कट गया और पैरों में फ्रैक्चर भी आया है। लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक को भी तोड़ दिया। घायल करिंदों ने बताया कि लोहारू की ओर से एक गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी। गाड़ी में से 3 युवक हाथों में तेजधार हथियार लेकर उतरे और उन्होंने जयचंद से नकदी छीननी शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने जयचंद पर हमला कर दिया, उससे बुरी तरह से वो घायल हो गया। पानीपत में ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक सॉल्व कराने में 14 लोग गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित ग्राम सचिव की परीक्षा का पेपर लीक और सॉल्व कराने वाले गिरोह के 14 सदस्यों को काबू किया है। आरोपी रविवार को समालका स्थित पैराडाइज स्कूल में पेपर सॉल्व करवाने की फिराक में थे। पेपर की फोटो लीक होने से पहले ही पुलिस ने स्कूल मालिक, उनके बेटे और सॉल्व समेत 4 को दबोच लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और आरोपितों की संख्या भी अब बढ़ सकती है। सीएम खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर एफआईआर। किसान बोले, हम विरोध करते रहेंगे। किसान आंदोलन के 47वें दिन हरियाणा पुलिस ने करनाल में मनोहर खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चंदोनी समेत 900 लोगों पर पर्चा दर्ज किया है। करनाल में खट्टर के कार्यक्रम के लिए बना मंच रविवार को भीड़ ने तहस तहस कर दिया था। साथ ही हेलीपैड को भी खो दिया गया था। उधर गुरनाम सिंह चंदोनी का कहना है कि हाँ, हमने खट्टर साहब को रैली करने से रोका। बीजेपी ने कहा था कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 रैलियाँ की जाएंगी। हम ऐसी रैलियों का विरोध करते रहेंगे। घर वालों से नाराज हो निजी कंपनी की अकाउंटेंट पहुंची जान देने। ट्रेन आती देख ट्रैक पर लेटी आरपीएफ जवान ने बचाया। फरीदाबाद में सोमवार को आरपीएफ कर्मचारी की सक्रियता के चलते एक जान बच गई। बताया जाता है कि निजी कंपनी में कार्यरत अकाउंटेंट किसी बात को लेकर घर वालों से नाराज थी और ऑफिस के लिए निकली, मगर वहाँ की बजाय रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई और ट्रेन युवती तक पहुँचती। गश्त कर रहे आरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार ने जान पर खेलकर युवती को रेलवे लाइन से खींच लिया। उसे उसके परिजनों के हवाले किया गया है। दरअसल 24 साल की लड़की पर्वतीय कॉलोनी की निवासी बताई जा रही है, जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। परिजनों से किसी प्रकार का विवाद होने पर सोमवार को ऑफिस जाने के बजाय वो घर से निकली और ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई। सुबह करीब 10 बजे दिल्ली की ओर से जा रही ट्रेन को देखकर वे रेलवे लाइन पर लेट गई थी। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौशीफ के परिजनों को 2 साल पहले अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर। फरीदाबाद में सोमवार को निकिता तोमर की हत्या से 2 साल पहले अपहरण के मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौशीफ के परिजनों को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही 2 दिन के भीतर जाँच में शामिल होने के भी आदेश दिए हैं। मामला 2 साल पुराने अपहरण का है, जब राजनीतिक दबाव के चलते निकिता के परिवार द्वारा समझौता कर लिए जाने की बात कही जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तौसीफ के पिता, मां और चाचा की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर रखे थे। हिसार की सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हलवाई से मारपीट का था आरोपी। हरियाणा के हिसार जिले की सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी फंदे पर लटका बेला। मृतक ने पानी की एक पाइप से अपनी शर्ट को फंदा बनाकर खुदकुशी की। मृतक की पहचान फतेहाबाद के रतिया एरिया के खुनन गांव निवासी 26 वर्षीय चरणजीत के तौर पर हुई है। मृतक के भाई कृपजीत ने बताया कि चरणजीत का गांव के ही एक हलवाई से झगड़ा हुआ था।
हलवाई की शिकायत पर पुलिस ने उसे काबू किया था और गत 7 जनवरी को जेल भेज दिया था। वहां से बीती रात उन्हें खबर मिली कि उनके भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में आजाद नगर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि सुसाइड करने की सही वजह क्या थी। करनाल में दर्दनाक हादसा। करनाल में सुबह सोमवार को एक सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। दोनों मृतक माँ बेटा थे। इनके साथ मौजूद महिला का एक 4 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ये गांव से असंत की तरफ जा रहे थे। शहर के पास पहुंचते ही इनकी बाइक को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मृतकों के शव असंत मोर्चरी हाउस में रखा, आगे की जाँच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान खेड़ी शरफली की 60 वर्षीय हरबंस कौर और उसके 25 साल के बेटे संदीप के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों माँ बेटा संदीप के भाई बलजिंदर के 4 साल के बच्चे सुख को साथ लेकर बाइक पर सवार होकर असंत से दवाई लेने आ रहे थे। हरियाणा में कोरोना के 244 नए केस आए सामने। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 244 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 265,199 को पार कर गई है। फिलहाल प्रदेश में अभी भी 2547 लोगों का इलाज जारी है। 6 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं पर 201 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है और पलवल भिवानी ऐसे 2 जिले हैं जहां पर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं पर गुरुग्राम में 72 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 36, सोनीपत में 20, हिसार में 8, अंबाला में 8, करनाल में 12, पानीपत में 7, रोहतक में 3, रेवाड़ी में 3, पंचकुला में 20, कुरुक्षेत्रा में 15, यमुनानगर में 17, सिरसा से 3, महेंद्रगढ़ में 2, झज्जर में 6, फतेहाबाद में 2, कैथल 4, जींद 3, नौदेव और चरखी दादरी में भी 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर प्रदेश का रिकवरी रेट लगातार 97% से पार स्थिर है और अब तमाम जिलों की स्थिति है वो पहले से बेहतर होने लगी है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, सीएम ने धैर्य से लिया काम, नहीं तो राज्य के पास है पुलिस फोर्स। हरियाणा की बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने करनाल के कैम्बला में किसान महापंचायत के दौरान हुए घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर ने धैर्य रखा, वरना राज्य सरकार के पास पुलिस फोर्स है, कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने सोचा कि हमारे किसान भाई हैं, सांकेतिक विरोध करके चले जाएंगे, परंतु जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में खलल डाला उनको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री की बात को सुनना चाहिए था। उन्होंने किसान महापंचायत के दौरान हुए घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री खट्टर ने 10 जनवरी को कैमला गांव में किसान महापंचायत बुलाई थी। आंदोलनरत किसानों के साथ टकराव के हालात पैदा न करे सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जानबूझकर किसानों के साथ टकराव के हालात पैदा करने के आरोप जड़े। करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। हुड्डा ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है तो इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे आयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। जब खुद इलाके के किसान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने ये आयोजन करने की जिद क्यों की। हुड्डा ने कहा कि सरकार चाहती तो विरोध को देखते हुए वक्त रहते ही इस आयोजन को रद्द करके तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने से रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। करनाल के कैमला गांव में हुए बवाल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव का रास्ता छोड़कर किसानों से बातचीत जरूर करनी चाहिए। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमे अब वापस होंगे। हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय किया। तो हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला है जिसमें लॉकडाउन के दौरान जितने भी प्रवासी मजदूरों पर केस दर्ज हुए थे वो अब वापस लिए जाएंगे। कंवरपाल गुज्जर का बड़ा बयान, बोले किसान आंदोलन अलोकतांत्रिक, चाइना बिगाड़ रहा है भारत में हालात। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने देश में अव्यवस्था फैलाने में चाइना का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि बहुत सी उद्योगपति भारत में अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, जियो के मोबाइल टावर तोड़कर ऐसे उद्योगपतियों को डराया जा रहा है।
इनेलो के प्रधान महासचिव इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल पर भेजा है। इसके साथ ही अभय चौटाला ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी तलख टिप्पणी करते हुए अपनी भड़ास निकाली। यहां तक कि अभय ने दुष्यंत को देवीलाल का रूप नहीं बल्कि भूत होना बता दिया। अभय चौटाला ने कहा कि वे चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। चौधरी देवीलाल ने भी प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था। आज किसानों के मुद्दे पर उन्होंने भी विधायक से इस्तीफा दे दिया है। एक सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने कहा कि भतीजे और सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तलख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोग आज बीजेपी सरकार के चिपके बैठे हैं, खुद को चौधरी देवीलाल का वंशज बताते हैं, वास्तव में चौधरी देवीलाल के ये रूप नहीं भूत हैं। अभय चौटाला ने करनाल के गांव कैमला गांव की घटना के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए ही मुख्यमंत्री दूसरे किसान नेताओं का नाम ले रहे हैं। इनेलो नेता ने कहा कि किसानों ने करनाल के उपायुक्त को पहले ही विरोध करने की सूचना दे दी थी। मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम स्थगित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं किया बल्कि किसानों पर बीजेपी के बदमाश नेताओं ने पुलिस कर्मियों से डंडे लेकर बरसाए हैं। इनेलो नेता का दावा, जजपा विधायकों के दबाव में खुद ही गिर जाएगी खट्टर सरकार। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने गोहाना में इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला के ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य तीन कृषि कानूनों के खिलाफ में इनेलो का किसान आंदोलन को समर्थन देने के बाद तीन दौर की ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा से शुरू करना है। इसी दौरान राठी ने कहा कि 27 तारीख को अभय चौटाला अपना इस्तीफा देने की बात कही थी और उन्होंने अपना ये वायदा पूरा भी किया है। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे देने के बाद दूसरी पार्टी के विधायकों पर इस्तीफा देने का दबाव होगा। वहीं जेजेपी ने भी सरकार से 2 हफ्ते का समय दिया है। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं करती तो तब सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इससे जाहिर होता है कि सरकार खुद ही गिर जाएगी। हिसार, गुरुग्राम, रोहतक व कुरुक्षेत्र से बंटेगी हरियाणा में वैक्सीन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सटे हरियाणा से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूरे देश के साथ हरियाणा में भी 16 जनवरी को वैक्सीन आरंभ होगा। वैक्सीनेशन कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय एक वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर रहेंगे। प्रदेश के सभी 22 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर अलग से बनाए गए हैं। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री खुद का इलाज कराने के बाद आराम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीनेशन की तैयारियों पर उनकी निगाहें बनी हुई हैं। विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरे प्लान की रिपोर्ट हासिल की है। विज ने बताया कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के तहत राज्य के 3 वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड 19 वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की अटकलों के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की निर्दलीय विधायकों के संग लंच डिप्लोमेसी। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन और सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री ने सोमवार को निर्दलीय विधायकों के साथ लंच किया। इस बार लंच के मेजबान की भूमिका में थे हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि भविष्य में उन्हें किसी तरह के राजनीतिक अविश्वास का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पूरा जोर विधायकों के साथ तालमेल पर बना हुआ है। कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद पर अड़ी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा बजट सत्र से पहले ही विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 15 जनवरी को राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति से बचने के लिए मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक रणनीति को तैयारी में जुटे हैं बनाने की। बीजेपी को यही डर है कि यदि जजपा में तोड़फोड़ हुई तो निर्दलीय विधायक सहारा दे सकते हैं। प्रदेश में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह समेत 7 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल खांडा है। निर्दलीय विधायकों में महम के एमएलए बलराज कुंडू शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ हैं, जबकि चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवाने ने केवल पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया बल्कि सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। हरियाणा की विपक्षी नेता बोले, जब किसान नहीं चाहते कानून तो लागू करने पर क्यों अड़ रही है सरकार। करनाल जिले के गांव कैमला में किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान हुए व्यवधान पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों को जब तीनों कृषि कानून मंजूर नहीं है तो केंद्र सरकार इन्हीं किसानों पर ये अपनी मर्जी क्यों थोपना चाहती है। इन्हीं किसानों की मर्जी नहीं होने के बावजूद लागू करने पर क्यों अड़ी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा सुरजेवाला और
दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद विधायक कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कैमला के घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हरियाणा समेत उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का कहर 14 के बाद हो सकती है थोड़ी बहुत राहत। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर खत्म होने के बाद अब बर्फीली हवाओं का प्रकोप मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत NCR में बीते 24 से 48 घंटों के भीतर कई जगहों पर दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ज़्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जिसके कारण दिन में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। 14 जनवरी से पहले शीतलहर से राहत मिलने के आसार नहीं है। वर्तमान मौसमी स्थितियों कम से कम 14 से 15 जनवरी 2021 तक बनी रहेगी, जिससे दिन में खिली धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। दिन के तापमान में इसी तरह की गिरावट बनी रहेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी शहरों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। धीरे धीरे उन उत्तर पश्चिमी सर्द और शुष्क हवाओं का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचेगा। इन क्षेत्रों में भी दिन में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। गुरनाम सिंह चडूनी ने ली कैमला घटना की जिम्मेदारी, कहा जारी रहेगा बीजेपी की रैलियों का विरोध। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा के कैमला में हुई घटना की जिम्मेदारी ले ली है। चडूनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के CM को रैली करने की अनुमति नहीं दी। बीजेपी ने कहा कि वे हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 रैलियां करेंगे, हम ऐसी बीजेपी रैलियों का विरोध करेंगे। हरियाणा के करनाल के कैमला गाँव में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में उत्पाद मचाने, तोड़फोड़ आदि करने के मामले में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी समेत 71 लोगों को नामजद करते हुए शेष अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के इस मामले का जिम्मेवार बताया था। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा है कि 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर तीनों काले कानूनों की पत्तियां जलाई जाएंगी। 18 जनवरी को जिला में तहसील स्तर पर महिला किसान दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर आयोजित मंचों पर महिलाओं की अगुवाई पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये निर्णय सिंघू बॉर्डर पर आयोजित किसान संगठनों की बैठक में लिया गया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले हम देते रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में आप कमेंट बॉक्स में जय किसान जय जवान जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।